कैसे ये बड़ी कंपनीज आपको बेवकूफ बना रही हैं? और क्या KGF और रॉकी भाई का कैरेक्टर रेल में भी था या ये पूरी स्टोरी फेक थी? और अब आप कैसे बगैर फ्रिज के बिल्कुल फ्री में बर्फ जमा सकते हो, कैसे जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक नहीं करना, पूरी वीडियो देखो, अगर अच्छी लगे तभी लाइक करना। सबसे पहले फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि मिल्क यानी दूध उबलने पर पतीले से क्यों गिरने लगता है और ऐसा पानी के साथ क्यों नहीं होता? देखो, दूध यानी मिल्क में प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स होती हैं, और जब आप दूध को हीट देते हैं यानी उबालते हैं तो सॉलिड न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स ऊपर आ जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स की एक लेयर जम जाती है और पानी नीचे जमा हो जाता है। और आप सबको पता है कि पानी को खुलाने से पानी भाप बनकर उड़ता है और दूध में न्यूट्रिएंट्स के नीचे भी पानी भाप बनकर उड़ना चाहता है, पर न्यूट्रिएंट्स की लेयर रोके रखती है। जब भाप यानी वाटर वेपर्स ज्यादा हो जाती है तो ऐसे दूध बाहर गिरने लगता है। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसा जानवर जिसके पैर हैं फिर भी वो चल नहीं सकता। देखो, जिस एनिमल्स बर्ड्स के पैर होते हैं वो अपने पैरों से चल भी सकते हैं, पर चमगादड़ यानी बेट के पैर होने के बावजूद भी वो चल नहीं सकता। इसके लेग्स बहुत कमजोर और पतली होती हैं, जिसका इस्तेमाल ये उल्टे लटकने के लिए करता है। फैक्ट नंबर 4, कैसे बड़ी कंपनीज अपने एड में फेक प्रोडक्ट्स दिखाकर आपको बेवकूफ बना रही हैं? एड्स में जो ये आइसक्रीम दिखाते हैं वो रियल में आलू का भरता होता है जिसमें कलर मिला होता है, और केक के बीच में कार्डबोर्ड्स होते हैं ताकि केक उठा रहे, पिचके नहीं। और ये क्रीम्स तो शेविंग फोम होती है। ये सब इसलिए कि कोई चीज पिघले नहीं और कैमरामैन सही से फोकस करे। फैक्ट नंबर 3, आप सबने कभी ना कभी नारियल पानी जरूर पिया होगा, पर आपने कभी सोचा है इतने ऊपर नारियल के दरख्त पर नारियल में पानी कैसे जाता है? देखो, सबसे पहले कोकोनट के पेड़ की रूट्स जमीन से पानी को चूसती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, जो पूरे पेड़ से होते हुए आखिर में थोड़ा गाढ़ा होकर नारियल में जाता है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। और जो ज्यादा गाढ़ा होता है वो क्रीम बन जाता है, और जो रह जाता है वो पानी बन जाता है। फैक्ट नंबर 2, अब आप बगैर फ्रिज के भी बर्फ जमा सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसे कहते हैं हॉट आइस, जिसे बनाने के लिए आपको 440 ग्राम बेकिंग सोडा में 1/2 लीटर व्हाइट विनेगर डालकर 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ देना है। फिर उसमें 100 ml पानी मिलाकर थोड़े देर चूल्हे में छोड़ दो। फिर उसकी ऐसे शक्ल होने पर किसी चीज में डालकर रख दो। फिर इसमें थोड़ा बर्फ डालो या फिर इसे बर्फ में डालो, बर्फ जम जाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या KGF मूवी की स्टोरी रियल थी या फेक, और रॉकी भाई जैसा भी कोई रियल में था या नहीं? देखो, KGF रियल में एक बड़ा गोल्ड माइनिंग एरिया था जिसे गोल्ड हेवन भी कहते हैं, जो अभी भी है, लेकिन उसमें अब गोल्ड माइनिंग नहीं होती। और बात रही स्टोरी की, तो यह स्टोरी 100% फेक है। पर कुछ लोग कहते हैं कि रॉकी भाई का करेक्टर राउडी टंगम से इन्फ्लुएंस हुआ है, पर राउडी टंगम KGF के साइड से गोल्ड माइनिंग की इलीगल एक्टिविटी करता था, और फिल्म में रॉकी भाई पूरे KGF में राज करता है और राउडी टंगम पुलिस के हाथों इनकाउंटर में मारा गया। हाँ, वीडियो खत्म हो गई। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।